पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया भर में कितने ही प्रयास किए गए हैं और किए भी क्यों ना जाएं, आखिर ये हमारी जिम्मेदारी जो है। एक ऐसा ही प्रयास है आइडल नो मोर मूवमेंट, जो कि कनाडा में हुआ, जिसके बारे में हम आज आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आइडल नो मोर कनाडा में चल रहा एक विरोध आंदोलन है, जिसे जॉब्स इन ग्रोथ एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये 2012 में चार महिलाओं द्वारा स्थापित किया गया था, तीन प्रथम राष्ट्र महिलाएं और एक गैर मूल सहयोगी। यह कनाडा में आदिवासी लोगों के बीच जमीनी स्तर पर एक किया गया आंदोलन है। इसने करीब 60 एक्ट्स को प्रभावित किया है, जिसमें से एक इंडियन एक्ट भी है। इस आंदोलन को शुरू करने वाली महिलाओं के नाम है नीना विल्सन, शीला मैकलीन, सिल्विया मैकएडम और जेसिका गॉर्डन। इसका आयोजन हार्पर सरकार के बिल C-45 को लेकर हुआ था। लेखक और शिक्षक सिल्विया मैकएडम ने कहा, हमारे सबसे मजबूत प्रेरणाओं में से एक हमारे बच्चे हैं। हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हम बिल C-45 के बारे में चुप नहीं थे। दरअसल C-45 एक बड़ा सर्वव्यापी बिल है, जिसमें कई उपायों को लागू किया गया है। कई कार्यकर्ता इसके लागू होने से पर्यावरण संरक्षण कानूनों को कमजोर करने का दावा देते हैं। आइडल नो मोर एक्टिविस्ट ने तर्क दिया कि बदलावों ने सरकार और बड़े कारोबारियों के लिए प्रोजेक्ट्स जैसे पाइपलाइंस को सख्त एनवायरमेंटल असेसमेंट के बिना ढकेलना आसान कर दिया। इसे 10 दिसंबर को नेशनल डे ऑफ एक्शन के दिन ही आइडल नो मोर के संस्थापकों द्वारा योजनाबद्ध शिक्षण रैलियों और विरोध प्रदर्शन की श्रृंखला तैयार की गई, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के मानवाधिकार दिवस के साथ हुई। इस आंदोलन के साथ ही चीफ थेरेसा स्पेंस ने प्राइम मिनिस्टर हार्पर और गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा से आदिवासी अधिकारों पर बात करने के लिए अपनी लिक्विड डाइट की शुरुआत की थी और मीटिंग की मांग की थी। इसके अलावा 17 दिसंबर को 6 प्रथम राष्ट्रों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वे संघीय संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की वैधता को मान्यता नहीं देते हैं। आइडल नो मोर आंदोलन आमतौर पर नेचुरल रिसोर्सेज के शोषण का विरोध करता है, विशेष रूप से प्रथम राष्ट्र क्षेत्र में। इस आंदोलन को गैर सरकारी और जमीनी स्तर के कई संगठनों सहित कई समूहों का भी समर्थन प्राप्त है। संसाधनों के शोषण के विरोध को दर्शाती एक प्रदर्शन एल्गोनक्विन के लोगों द्वारा क्यूबेक में बैरियर झील में आयोजित किया गया था। इसने राजमार्ग 117 को बंद कर दिया और ये अपनी भूमि पर होने वाले वन के कार्यों को रोकने के लिए ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया था। वहीं ब्रिटिश कोलंबिया में इन लोगों का ध्यान तेल पाइपलाइन निर्माण के विरोध में है। प्री और पोस्ट क्रिसमस सीजन के दौरान कनाडा में मॉल्स में फ्लैश मॉब का उपयोग हुआ और साथ ही साथ राउंड डांस का भी आयोजन किया गया। दिसंबर को एक फ्लैश मॉब ने कॉर्नवॉल सेंट्रल शॉपिंग मॉल रेजिना में एक राउंड डांस किया। अगले दिन वेस्ट एडमंटन मॉल में एक समान फ्लैश मॉब राउंड डांस हुआ। इस रणनीति का इस्तेमाल ऑटावा के रेडियो सेंटर और सेंट वाइटल सेंटर विनिपेग में भी किया गया। 30 दिसंबर को एक और समूह, जिसका रिश्ता आइडल नो मोर से माना जाता है, ने कैनेडियन नेशनल मेन रेलवे लाइन को देश के सबसे बड़े शहरों टोरंटो और मॉन्ट्रियल के बीच बेलेविले ऑन्टारियो के पास एक जगह पर लगभग 3 घंटे तक रोक दिया। कनाडा में और बहुत सारी जगहों पर इस रणनीति का उपयोग किया गया, जिसके चलते 11 जनवरी 2013 को कनाडा के सभी क्षेत्रों में हजारों लोगों ने आइडल नो मोर प्रदर्शन में भाग लिया। यह अनुमान लगाया गया था कि मूल रूप में शुरू हुए आंदोलन में मार्च से 1000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। फॉर्मर लिबरल प्राइम मिनिस्टर पॉल मार्टिन ने कहा कि टेरेसा स्पेंस के प्रयासों ने उन्हें सभी कैनेडियन लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया। यहाँ तक कि फॉर्मर पीएम जो क्लार्क भी स्पेंस से मिले और बात की और कहा कि कनाडा और प्रथम राष्ट्र खतरनाक रास्ते पर थे। 2012 में स्टीफन हार्पर की रूढ़िवादी सरकार द्वारा पेश किए गए बिल C-45 के खिलाफ आइडल नो मोर ने विरोध शुरू किया। तब से यह आंदोलन स्वदेशी अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सुरक्षा के बारे में व्यापक सवालों को शामिल करने के लिए बढ़ गया है। इस आंदोलन ने स्वदेशी समुदाय को प्रेरित करने में मदद की और व्यापक समुदाय के भीतर इन मुद्दों की चर्चा को उत्तेजित किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।